अभी हमें सर मिले हैं, तो सर अभी जा कर के बताएंगे थोड़ा सा हमको, क्योंकि हमको इस सब चीज़ के बारे में ज़्यादा पता नहीं है। तो घूमने आए हैं तो सर मिल गए हैं, तो अब सर हमको अच्छे से बताएंगे और घुमाएंगे और आप लोग को भी दिखाएंगे। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है फिर से आपको हमारे नए वीडियो में। और अभी हम लोग आ चुके हैं हमारे प्रखंड खुदावंतपुर के कृषि विज्ञान केंद्र में, कृषि विश्वविद्यालय में, जो कि आप लोग को मैं दिखा देता हूँ। और पिछले ब्लॉग में आप लोग को दिखाए थे हम पूसा गए थे, जो कि यहाँ से समस्तीपुर में है, तो वहीं का पार्ट है, ये भाग है। तो आपको आगे से दिखाते हैं पहले। तो दोस्तों देख सकते हो, यही है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विश्वविद्यालय पूसा से। आप लोग को पिछले ब्लॉग में पूसा यूनिवर्सिटी लेकर गए थे, मतलब कि वहाँ पर दिखाए थे, आप लोग ने देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो मैं लिंक डाल दूंगा पूसा यूनिवर्सिटी का, जो कि बिहार का सबसे बड़ा कृषि विश्वविद्यालय है वो। तो मैंने वहाँ पर वीडियो बनाया है और उसके बाद आज आ चुका हूँ अपने खुदावंतपुर में। अपने खुदावंतपुर में भी कृषि विश्वविद्यालय है, जो कि वहीं का पार्ट है। तो देख सकते हो आप लोग, बोर्ड पर भी देखा होगा कि जो पूसा कृषि विश्वविद्यालय लिखा हुआ था। तो अभी हम लोग यहाँ पूरा घूमेंगे और आप लोग को भी दिखाएंगे यहाँ पे कैसे कैसे क्या चीज़ का फसल लगा हुआ है, क्या चीज़ का खेती होता है। तो अभी सब चीज़ आपको दिखाएंगे, बोर्ड भी लगाया गया है, दिखा देते हैं आप लोग को। देख सकते हो यहाँ पे हर फसल के पास बोर्ड लगाया जाता है, जिससे पता चले किस चीज़ का खेती हो रहा है इसमें और क्या मतलब कि किस चीज़ का खेती हो रहा है, कब हुआ है, सारा चीज़ लिखा रहता है, देख सकते हो। और सुंदर भी काफ़ी ज़्यादा लग रहा है, मतलब कि पूसा इतना तो नहीं लग रहा है, पूसा तो भाई साहब बहुत ख़तरनाक था पूसा में। आप लोग वीडियो देख ही लोगे, लिंक डाल दूंगा, आप लोग को देख लीजिएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो, आप लोग को दिखाते हैं यहाँ का भी सिनेमेटिक शॉट्स। थोड़ा सा यहाँ पे सजाया हुआ है, मतलब कि अच्छे तरह से। और उसके बाद आगे पूरा फसल है, गाय वगैरह भी है, तो वो सब आपको अंदर चल के दिखाएंगे अच्छे से। तो चलिए वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो की स्टार्ट करते हैं। और देख सकते हो ये दोस्तों, ये है ऑफिस यहाँ का। और यहाँ पे देख सकते हो प्रशासनिक भवन कृषि विज्ञान केंद्र बेगूसराय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर। और इसका जो पूसा का जो है मेन, अभी दिल्ली में कर दिया गया है। और यहाँ पर देख सकते हो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली। तो यहाँ पर देख सकते हो ये था यहाँ का ऑफिस। और यहाँ पर देख सकते हो कृषि विज्ञान केंद्र कार्यालय, मतलब पूरा दिखाया गया है कि क्या चीज़ किधर है। तो यहाँ से देख सकते हो कार्यालय इधर लेफ्ट है और किसान घर इधर राइट है, और इम्प्लीमेंट सेट, गोदाम, पशुशाला, सीआरए प्लॉट्स, इंटरनेशनल प्लॉट्स, सोलर पंप, सारा का दिया गया है इधर, मतलब सामने इधर सारा चीज़ है। और इधर भी देख सकते हो, इधर है ये मड़ुआ की खेती हो रही है यहाँ पे, देख सकते हो कृषि विज्ञान केंद्र बेगूसराय प्रक्षेत्र बीज उत्पादन खरीफ, यहाँ पे देख सकते हो इसमें पूरा मड़ुआ की खेती हो रही है। और इस तरफ भी दिखाते हैं आप लोगों को, यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों कृषि विज्ञान केंद्र बेगूसराय फसल संग्रहालय। तो इधर पूरा धान की खेती हो रही है। और दोस्तों आप लोग का अभी अंदर लेकर चलते हैं, अंदर में बहुत ही ख़तरनाक मशीन है, जो कि समझ से बाहर है पूरा, तो वो सारा चीज़ आप लोग को दिखाएंगे। अगर आप लोग हम लोग के गांव से जो है खुदावंतपुर हो गया, इस प्रखंड के जितने भी आदमी हैं, मतलब कि बहुत कम आते हैं यहाँ पर घूमने के लिए, अगर स्टूडेंट हैं आप लोग, अगर स्टूडेंट हैं तो कभी आकर के घूम सकते हैं, देख सकते हैं, काफ़ी मतलब कि नॉलेजेबल चीज़ है आप लोग के लिए है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आकर के आराम से घूम सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी थोड़ा सा सुंदर भी है और बेसिकली नॉलेज मिलेगा खाद के बारे में, उसके बाद मशीन के बारे में, फसल के बारे में। यहाँ पे देख सकते हो ग्रीन हाउस भी है इसमें बनाया गया है। और यहाँ पे देख सकते हो कि ये गार्डन है, मतलब कि जो छोटे छोटे पौधों को बनाया जाता है, मतलब बड़ा किया जाता है शुरुआत में। और यहाँ पे देख सकते हो ये पाइप सिस्टम पानी का भी है, तो मतलब कि पानी के लिए सीधे यहीं से पाइप, मतलब यहीं से पानी जाता है पूरे गार्डन में, ये सब जगह बनाया गया है, वहाँ भी देख सकते हो बनाया गया है एक ठो। तो देख सकते हो ये है कुछ टावर टाइप है इधर से भी और इधर से भी, इसमें सोलर पैनल भी लगा हुआ है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ, उसको देख सकते हैं यहाँ पर, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट एंड एग्रो मेट्रोलॉजिकल स्टेशंस, मतलब कि मुझे समझ नहीं, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आपको पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं देख लूँगा। यहाँ पर देख सकते हो मैं पूरा लगा दिया हूँ। और इधर देख सकते हो दोस्तों हाउस बनाया गया है, बेसिकली धूप से बचने वाला। यहाँ पर एक ठो है
और उसके बाद यहाँ पर एक ठो दो ठो तीन ठो, तीन ठो तो यहाँ पर है बड़ा बड़ा और एक ठो छोटा है। यहाँ पे गाय का गोबर भी और बकरी का गोबर भी, मतलब कि जो चीज़ भी होता है यहाँ पर जिससे खाद बनाया जा सकता है, फर्टिलाइजर, तो वो सब के लिए खाद भी, मतलब कि सब गोबर को कलेक्ट किया जाता है। और यहाँ पर देख सकते हो ग्रीन हाउस में देख सकते हो पेड़ लगाया गया है, आप लोग देख सकते हो। इसमें अभी कुछ नहीं है, टूट चुका है, इसमें देख सकते हो पूरा खाली है। मुझे तो लग रहा है ये तीनों बिना काम का था, सिर्फ नाम का है देखने में ग्रीन हाउस, बट इसमें अभी नहीं लगा हुआ है पेड़ पौधा, बट आपको दूसरा जगह जा करके दिखाते हैं अच्छे से। और भी यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं घूमने के लिए, अपने प्रखंड से बहुत कम लोग आते हैं, लेकिन दूर दूर से जगह से आते हैं यहाँ पर देखने के लिए, घूमने के लिए। अभी भी मैं यहाँ पर वीडियो बना रहा था, दो चार आदमी बड़े बड़े लोग सब मतलब कि देखने गए थे, उधर ही गए होंगे। यहाँ पर पानी पटाने का देख सकते हो, खेतों तक पानी पहुँचाने का सिस्टम यही है, जो कि काफ़ी बेहतर है। और अभी धान पूरा लगा हुआ है, पूरा मतलब कि बहुत ज़्यादा बड़ा एरिया में फैला हुआ है एरिया, देख सकते हो। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना निराश्रित पशु प्रबंधन मॉडल, प्रमुख घटक गाय बकरी मुर्गा जैविक खाद एवं केचुआ, देख सकते हो। मतलब जैविक खाद मतलब जीव के द्वारा निकले गया खाद है, देख सकते हो। यहाँ पर कोई केमिकल वगैरह नहीं है, पूरा इस खाद को, ये तो गाय का गोबर है या मतलब कि बकरियों का, गाय का, यही सब का है। तो यहाँ पे देख सकते हो हरित खाद, यहाँ पर देख सकते हो गाय भी बहुत सारी हैं जिनको एक लाइन से लगाया गया है। अभी इन लोग का खाने का टाइम है, खाना खाने का। तो यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारा चितकबरी, फ्रीजियन और यहाँ पे जायसवाल, बहुत सारा है प्रजाति का गाय, अलग अलग प्रजाति का गाय है यहाँ पे। ये तो मेरे पास भी है, जायसवाल का मेरे पास भी है गाय, क्योंकि हम लोग किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो हम लोग के पास गाय है। मैं वीडियो यूट्यूब पे बनाता हूँ तो सोचा कि फिर से यहाँ अपने प्रखंड में है तो आकर के यहाँ पर भी वीडियो बनाया जाए और दिखाया जाए लोगों को, लोग भी आकर के घूमेंगे। तो और जगह अभी मशीन भी है, वो सब भी आपको दिखाते हैं धीरे धीरे। तो दोस्तों देख सकते हो ब्लैक मुर्गे भी कितना ज़्यादा यहाँ पर है, तो मुर्गी पालन का भी काम किया जाता है, जो कि आप लोग आकर के देख सकते हो। मुर्गी का हो गया, बकरी का हो गया, सारा चीज़ यहाँ पे होता है। तो चलिए आप लोग को अभी मशीन के पास ले जाते हैं, मशीन दिखाते हैं। पूसा भी था लेकिन वो ज़्यादा दूर है, यहाँ से भी दूर पड़ जाता है बहुत, लेकिन बहुत खूबसूरत था वो भी। आप लोग को उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। यहाँ पे मिट्टी का जाँच किया जाता है, जो जो खाद का कमी रहता है उसी खाद को यहाँ पर डाला जाता है, जिससे कि जो फसल हो वो अच्छा तरह से, मतलब कम खाद में अच्छा फसल हो, आधुनिक तरीके से खेती किया जाता है यहाँ पर। और यहाँ पे देख सकते हो चारों तरफ यहाँ पे पेड़ भी लगाया गया है रोड के पास पास। यहाँ पे बताया जाता है, अन्य अनुमंडल से लोग आते हैं यहाँ पे बैठ के आराम से, उनको इसी बोर्ड पे बताया जाता है बहुत सारा बात कृषि से रिलेटेड। तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर एक ठो और चीज़ है, जो कि यहाँ पे देख सकते हो पानी का पूरा लगाया गया है, और यहाँ पर लिखा हुआ है पौष्टिक एवं दुग्धवर्धक पशु पूरक आहार, और यहाँ पे मतलब कि जिस चीज़ का है वो उस चीज़ का पूरा लिखा गया है बोर्ड में, आप लोग आकर के यहाँ पे देख सकते हो। तो अभी हमें सर मिले हैं, तो सर अभी जा कर के बताएंगे थोड़ा सा हमको, क्योंकि हमको इस सब चीज़ के बारे में ज़्यादा पता नहीं है। तो घूमने आए हैं तो सर मिल गए हैं, तो अब सर हमको अच्छे से बताएँगे और घुमाएँगे और आप लोग को भी दिखाएँगे यहाँ पर। आप लोग भी आकर के अपने प्रखंड में घूम सकते हो, क्योंकि लोग दूसरा जगह से यहाँ पर आता है और आप लोग अपने प्रखंड में है तो वहाँ पर भी नहीं आते हो, क्योंकि आप लोग आराम से घूम सकते हो, साइंस है एक तरह से यहाँ पे, तो आकर के ज़रूर घूमिएगा। सर अभी बताएंगे कि यहाँ पे मशीन के बारे में बताएंगे, यहाँ पे बहुत सारा मशीन है, तो उसका क्या काम है वो सारा चीज़ आपको सर अभी बताएंगे। हाँ, ये देखिए जो मशीन है हल्की शिगर मशीन है जी, ये मशीन अगर कोई आदमी कंबाइन से धान काटता है तो उसमें पुआल रह जाता है जी, उसमें जोतना मुश्किल होता है, जीरो टिलर मशीन चलाना मुश्किल होता है जी, क्योंकि वो पुआल उसके उसमें फंस जाता है जी सर, ठीक है, तो बुआई नहीं हो पाता है। हाँ। ये जो हैप्पी सीडर मशीन है इसमें पुआल हटाने की जरूरत नहीं ना, जलाने की जरूरत है, ये सीधा सीधा जाके उसमें गेहूँ कूदेगा। हाँ। इसको चलाने के लिए ट्रैक्टर का जो पावर है 55 हॉर्स पावर से ज़्यादा होना चाहिए। हाँ। अगर ऐसा ट्रैक्टर है तो बड़े आराम से बिना पुआल हटाए उस खेत पर जाके बुआई कर देगा जी। अब नेक्स्ट की तरफ आते हैं, ये आलू बोने की मशीन है जी, पोटैटो प्लांटर बोलते हैं, ये ऑटोमेटिक पोटैटो प्लांटर है। इसमें अगर हम लोग आलू में, इसमें आलू डालते हैं जी, ये हॉपर है, हॉपर में आलू डालते हैं, इसमें से यहाँ से आलू गिर गिर के इसके थ्रू ना एक एक आलू जाके लाइन में गिरा देते हैं, और एक बार में ये दो लाइन आलू की जी बुआई कर देता है, इसमें किसी आदमी की जरूरत नहीं, फुली ये अपने आप ऑटोमेटिक हो जाता है। नहीं ठीक है, ये मशीन है रेज्ड बेड प्लांटर जी सर, इस क्या करता है एक बेड बनाता है, जिससे आलू का बेड होता है जी, बेड बनाता है, उसी के ऊपर ये मक्का, सोयाबीन, चना
इस टाइप की चीजें लगाते थे अरहर, जिससे कि जहाँ ये सब फसलें पानी बर्दाश्त नहीं करता है जी, तो पानी नीचे मेड़ में लगा रहता है, ऊपर वो रहता है तो उसको पानी नुकसान नहीं करता है जी, इसलिए इसका हम लोग प्रयोग करते हैं खरीफ में जहाँ जहाँ पानी लगने का चांस होता है। दूसरा ये कृषि है लेजर लैंड लेजर जी, इससे हम लोग खेत का समतलीकरण करते हैं। पहले जो मशीन आता था उसमें ड्राइवर अगर स्किल नहीं है, उसको नॉलेज नहीं है तो बराबर नहीं कर पाता था जी। इसमें क्या है, एक लेजर लाइट होता है जी, एक लेजर लाइट इस पे लगा होता है, एक ट्रैक्टर पे लगा होता था जी, या रिसीवर बोलते हैं, ट्रैक्टर वाले मीटर बोलते हैं। इसकी जो लाइट रहता है ट्रैक्टर वाला पकड़ने की कोशिश करता है जी, तो ये उसी हिसाब से अपना ऊपर नीचे होता रहता है, तो कहीं से मिट्टी काटता है कहीं से भरता है, तो खाली ड्राइवर को चलाना होता है, ठीक है, बाकी काम ये खुद कर लेता है जी। छोटा सा मशीन है जिसको हम लोग बोलते हैं पैडी वीड सीडर जी सर, इसे धान और गेहूं अगर खेत जुता हुआ है तो इस ड्राम में बीज भर के जी सीधा आदमी खींच के बो सकता है, इसके लिए बड़ी मशीनों की जरूरत नहीं है। इसी काम के लिए बोने के लिए ट्रैक्टर चाहिए, फिर जीरो टिलर चाहिए जी, जो कि काम अगर आदमी है उसके पास ट्रैक्टर नहीं है, छोटा किसान है, इससे भी अपना धान गेहूँ बो सकता है जी। मतलब कि ये छोटों के लिए है, मतलब कि अपने छोटे से भी चल जाकर बो सकते हैं, और वहाँ पर भी बोया गया है आगे। ये झाल है जिसको बोलते हैं डिस्क हैरो जी, इसमें दिखा ना ये जो लगा हुआ है ये हाइड्रोलिक बेस्ड है जी, इसमें हम लोग जिसे ये इतना बड़ा मशीन इसको ट्रैक्टर से उठाना भी बड़ा मुश्किल होगा, छोटा वाला झाल तो उठा लेता है, इसको नहीं उठा पाएगा, तो ये हाइड्रोलिक बेस है, जैसे उसका पहिया है जी जी, पहिया इससे जब ट्रैक्टर से जुड़ा होता है तो पहिया वो उठा गिरा सकता है जी, जिसे खेत में जाना होगा तो पहिया उठा देगा जी, अगर रोड पर चलना होगा तो पहिया को गिरा देगा, और बड़े आराम से इसको लेके जाता है, ट्रैक्टर पे बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन में लोड नहीं आता, और भारी है तो जुताई भी अच्छा कर देता है जी। ये मशीन है पैडी ट्रांसप्लांटर है, मतलब जी धान की हम लोग रोपनी करते हैं जी, धान का बिचड़ा बना के मैट नर्सरी इस खांचे में रखते हैं, तो ये जो खांचा है इसमें भर देते हैं जी, तो यहाँ जो दिखता है ना ये वाला जी, इसी स्लॉट में जो आता है ये इसका फिंगर है जी, ये वाला ये फिंगर इस पे चलता है तो तोड़ तोड़ के जमीन में रोप देता है, अपने आप ऑटोमेटिक रोपाया जाता है। ये एक बार में 8 लाइन रोप देता है, एक बार में 8 लाइन इससे रोपा जाता है धान। ये है पोटैटो डिगर जी, मतलब इसे आलू खुदाई करते हैं ना जी, जिसे उसे बो दिए फिर खोदने के लिए देखा बहुत सारा लेबर लगता है हाँ। इसमें कुछ एक ट्रैक्टर में लगाएगा, ये जो लाइन है यहाँ से मिट्टी इस पे उठ के ऊपर की तरफ जी, ऊपर की तरफ मिट्टी जाता है जी, तो मिट्टी धीरे धीरे टूट के नीचे गिर जाता है और आलू पीछे की तरफ चले जाता है, खाली उसको चुन के उठाना होता है जी, ऐसे कुदारी से खोदने का जरूरत, मतलब बेसिकली ये खोद मतलब आलू को खोदने के लिए जो हम लोग लेबर लगाते हैं उससे ज़्यादा मतलब कि उनका जरूरत नहीं पड़ेगा, उनसे आसानी से ये हो सकता है। ये जीरो टिलेज मशीन है जी, इसका फार देखा बिल्कुल पतला सा है ये वाला फार जी, ये देखा फार, तो ये सब क्या करता है कि खेत में बिना जोते हुए जी जाके गेहूँ धान जो मसूर सरसों जी सारी क्या बुवाई कर देते, तो खेत में अगर जुताई नहीं करते हैं तो बहुत ज़्यादा जोतने में जो डीजल लगता था वो बच जाता है, और जोतने का जो समय लगता है ना सुखाना है जोतना है वो इससे बच जाता है, तो समय पे समय से बुवाई हो जाता है और जो खर्चा था वो बहुत कम हो जाता है, कम हो जाता है। ये है ड्रम सीडर ना जी, इससे धान बोते हैं, धान बोया जाता है, ये थोड़ा बड़ा है, वहाँ पे आप लोग को दिखाए थे वो छोटा था और ये थोड़ा उससे बड़ा है। अब वो जो खेत है वो जोता हुआ खेत में जाता है ना जी जी, ये जोता हुआ खेत है, इसके लिए कादो किया हुआ खेत चाहिए, इसमें पानी नहीं चाहिए जी, इसमें मुंह खुला हुआ, अंकुरित धान रखते हैं जी और खींच देते हैं, तो क्या होता है पूरा धान बोया जाता है। ओ ये भी काफी ज्यादा मतलब की मेहनत को कम करता है, बड़े आराम से, आराम से दो महीना है जी, तो 4-5 एकड़ के कर देगी। ये है रीपर कंबाइंडर ना, ये जैसे गेहूं धान को काटता है और बांध देता है जी, तो इसमें ये जैसे दिख रहा ना सब, इसमें काटने वाला रीपर लगा हुआ है जी, ये सब इकट्ठा करके बांध के इधर की तरफ छोड़ते जाता है, गिरा देता है जी, तो किसान अपना इकट्ठा करके उसकी थ्रेशिंग कर। और ये मशीन आप लोग गांव में भी देखे होंगे, बहुत ज़्यादा यूज हुआ है ये मशीन का, और ये काफ़ी ज़्यादा धान काटने में और बांधने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होता है इससे, और कम मतलब कि ह्यूमन का जो होता है काम कम लगता है, मशीन से ही हो जाता है। ये जो मशीन है ये डिस्क प्लाउ है जी, कोई ऐसी जगह जहाँ लगता है कि ज़्यादा दिनों से जुताई नहीं हुआ है जी, नीचे पत्थर पड़ा हुआ है या पेड़ का जड़ है, इस टाइप का जो चीज़ होता है या लगता है कि मिट्टी बहुत कड़ी हो गई है जी, इसका इस्तेमाल करते हैं। ये लगभग 15-20 सेंटीमीटर कभी कभी 30 सेंटीमीटर अगर सेट करते हैं 30 सेंटीमीटर नीचे तक की मिट्टी को जोत देता है, और जहाँ जहाँ जड़ या पत्थर होता है वहाँ ऊपर आ जाता है, तो मतलब ये टूटता नहीं है, आराम से जोतते हुए चला जाता है जी। ये रिजर्व जी, इससे अगर कोई ऐसा फसल लगाना होता है जहाँ मेड़, जैसे गोभी लगाते हैं ना हम लोग बरसात जी, में जी, तो गोभी के लिए मेड़ बनाना होता है फिर उस पर लगाते हैं, टमाटर लगाना होता है हल्का सा मेड़ बना के तब लगाते हैं जी, इस टाइप की चीज़ों के लिए इस मशीन का यूज़ करते हैं,
जी ये खाली मेड बना देता है, जुते जो खेत में जाके मेड बना देगा जी, फिर लगाना आसान हो जाता। जी मेड का मतलब मतलब कि आरी ना, हाँ है बंड मेकर जी। इसी जैसे खेत हमने जोता पानी पटवन के लिए हल्का हल्का सा मेड बनाते हैं जी, ये सीधा ट्रैक्टर में लगता है और पतला पतला सा मेड बना के अच्छा सा बना देता है। ये चौड़ाई जो है चौड़ाई घटा भी बढ़ा सकते हैं, मतलब अगर पतला बनाना है तो पतला कर सकते हैं, चौड़ा बनाना है तो चौड़ा कर सकते हैं। अगर वो जैसे प्याज वगैरह लगाता है तो उसका वो बनाता है एक तरह से प्लेन टाइप का ना जी, तो वो भी बहुत दूर जब कर देंगे तो वो प्लेन भी बना देगा जी प्याज के लिए ना, कोई भी ऐसा चीज जी। ये देखिए पंप है जी जो हमारा सोलर सिस्टम से चलता है जी, इसके लिए हमें बिजली की जरूरत नहीं है, जैसे ही दिन होगा जी ये आराम से चल जाता है। इसमें 5 हॉर्स पावर का समर्जेबल पंप लगा हुआ है जी, जिससे ये देख रहे हैं ना इससे पूरी हमारी पाइपलाइन जुड़ी हुई है, तो पूरा फार्म में पानी चला जाता है, कहीं हमें जी बिजली वाला कोई पाइप का जरूरत नहीं पड़ता है, सब पाइपलाइन पूरा लगा गया है जी। तो जिसको खोलेंगे हाइड्रेंट को वहाँ पानी मिल जाएगा, वो लास्ट में जाके खोलेंगे जी तो वहाँ भी हमें पानी मिल जाएगा, वो फीटा फैलाने का जरूरत नहीं है जी, ठीक है। तो और इसके लिए लाइन का भी जरूरत नहीं पड़ता है, सोलर पैनल से अपने आप हो जाता है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर है अपने आप में। जैसे 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 गर्मी जाता है ना पानी ज़्यादा चाहिए, जैसे गर्मी बढ़ेगा तो ये पानी भी जी जी हाँ वो हीट के अनुसार होता है अपने आप के हिसाब से। हाँ ये है एक जलवायु अनुकूल खेती चल रहा की मौसम बदल रहा है तो कौन कौन सा खेती करें जी, जो 10 प्लाट हमारा बना है खरीफ में क्या लगाता है, रबी में क्या लगाएगा, गर्मी में क्या लगाएगा जी, ये सारा चीजें लिखा हुआ, उसको बोने का तरीका फसल जी जी, ठीक है ये लिखा हुआ। यही इधर का जो 10 प्लॉट है ना जी, इस 10 प्लॉट में यही चीज देखिए नंबर है ना 10 जी जी, तो यही 10 पूरा ये बोर्ड जो लगा हुआ 5 इधर है 5 उधर है, उधर है तो 10 में लगाते हैं। अपने मतलब कि मौसम के हिसाब से कौन फसल मौसम के हिसाब से क्या होगा तो जी। और इसका एक और उद्देश्य है कि अगर कोई आदमी जी आप पूरा बेगूसराय को जानना चाहता है जी, तो वहाँ आके खड़ा होकर उसको समझ जाएगा कि बेगूसराय में कौन कौन सी फसल होती है जी, यहाँ पे आकर के देख सकता है, यहाँ आके खड़ा होकर देखे जी तो पूरा बेगूसराय घूमने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे बेसिकली बताया गया कि आप अगर यहाँ पर आकर के इसको देखिएगा और समझिएगा तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि पूरा बेगूसराय में किस किस चीज़ का फसल होता है। आराम से मैप वगैरह भी दिया गया है, सारा चीज़ यहाँ पे लिखा गया है कि आप और यहाँ पर आप लोग आकर के आराम से देख सकते हो और काफ़ी अच्छा से मतलब कि नॉलेज ले सकते हो यहाँ से। तो दोस्तों फाइनली अभी सर जा चुके हैं, बता करके देख सकते हो सर जा रहे हैं, तो यहाँ पर आप लोग आ सकते हो और आप लोग को आज हमने बताया दिखाया क्या क्या चीज़ है नहीं है, तो आप लोग यहाँ पर आकर के अच्छे से घूम सकते हो और काफ़ी ज़्यादा नॉलेज ले सकते हो यहाँ से, बहुत सारा नॉलेज लेने के लिए है। आप पूरे बेगूसराय से आ सकते हो, कहीं से भी आ सकते हो यहाँ पर घूमने के लिए, तो काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल चीज़ है, तो आकर के यहाँ पर देख सकते हो घूम सकते हो। और सर का कोई काम लग गया तो वो अब जा रहे हैं और हम लोग को बता दिए पूरे अच्छे तरीके से। माइक का थोड़ा सा अगर वॉइस थोड़ा सा कम आया होगा तो मैं कोशिश करूँगा बढ़ा देने का, लेकिन माइक का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, नहीं तो माइक ले लेते मैं मतलब ले लेता मैं। और इस वीडियो को अब यहीं पर एंड करते हैं और हम भी घर जाएँगे और पूरा घूम करके आपको अच्छे से दिखा दिए हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, लव यू ऑल गाइज, बाय बाय।